गोयच्या विद्यार्थ्यांक रोकडीच नव्या कोंकणीच्या नव्या उतरावळीची वळख जातली. राजभास संचालनालय आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगान हे काम हातीन घेतला. यहाँ पे हम भाषा संचालनालय गोवा के साथ हमने कार्य किया है. हमने लगभग पिछले साल से हमारे बीच में जो है हम करस्पॉन्डेंस होना शुरू हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि जो कोंकणी भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं भाषा संचालनालय, तो वो बहुत ही उत्सुक थे कि कोंकणी भाषा में जो टर्मिनोलॉजी बन रही है, जो शब्दावली बन रही है, उसको कैसे बढ़ाए. तो हमें भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1961 में CSTT की स्थापना हुई थी, तब से हम ही अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है कि जो शब्दावली निर्माण करें साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स का. तो तब से हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और वहाँ स्थित होकर हमने हिंदी में तो बहुत सारे शब्दावली बनाई है, लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, उन्होंने ये देखा कि अन्य भाषाओं में भी हमारी शब्दावली का वृद्धि होना चाहिए. उन्होंने डिजिटल जो फॉर्म है वो हमारे CSTT में लाए हैं. उन्होंने शब्द पोर्टल बनाया है shabd.education.gov.in. तो इसमें हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं, हमारे शब्दावली है, उसको डिजिटल प्रारूप में लाया. जब डिजिटल फॉर्म में आया तो हम देख पाए कि किन भाषाओं में शब्दावली का निर्माण हुआ है. उस ग्राफ में जब हम देखें तो हिंदी की स्तर बहुत ऊँचा है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की स्तर बहुत नीचे है. तब से हमने बाहर जाके हम कार्य करना शुरू किया है, और वैसे ही हमें DOL से भी हमें पत्र मिला, तो हम बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से DOL के साथ काम करें और कोंकणी में हम वृद्धि लाएं. तो पहले DOL के साथ काम करने से पहले हमारे शब्दावली आयोग ने 4 से 5 कोंकणी के शब्दावली बनाए थे. DOL के साथ जब हम करेस्पॉन्डेंस में आए, उसके बाद से अगर हम देखें तो 8 से 9 अभी हम प्रक्रियाधीन है. हमारी शब्दावली केमिस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है, और हमारी शिक्षार्थी की सीरीज है. सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जो भी शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है NCERT या SCERT, उसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के जो तकनीकी टर्म्स है शब्दावली है, उसी का प्रयोग होना जरूरी है. कोंकणीची नवी उतरावळ येतली ती इंग्लिश आणि हिंदी डिक्शनरीतल्यान. ह्या दोन डिक्शनरींचा आधार घेऊन कोंकणीत नवी उतरावळ हाडटले. ही उतरावळ तयार करताना राज्यातल्या दर एका विषयाच्या तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेतले. केंद्रातल्या येऊपी निर्देशकांच्या मार्गदर्शनाखाला हे विषयीच्यो कार्यशाळा जातात, आणि ते खातीर लागपी सगळो खर्च केंद्र सरकार करता, असे राजभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगले. गोंय राजभाषा संचालनालय CSTT म्हणल्यार कमिशन फॉर सायंटिफीक अँड टॅक्निकल टर्मिनॉलॉजी हांची जोड पालवान कार्यशाळा घेता, आणि ह्या कार्यशाळेन विविध विषयांचेर शब्दावली तयार करपा खातीर आम्ही आमचे जे मान्य जे स्कॉलर असतात विविध विषयांत, तांकां हांगा आपोवन तांची पालव घेऊन तांचो आम्ही ह्यो शब्द तयार करतात. हे शब्द जे ते आसा ते सेंट्रल जे CSTT आसा पळय ते तांणी तयार केल्ले आसता. ते तांचा एक एक शब्द जो आसा पळय ताका आम्ही पर्यायी कोंकणी शब्द आम्ही तयार करतात. ते पहिली कार्यशाळा 28 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर पर्यंत झाली. त्या कार्यशाळेन आम्ही जर्नलिजम एंड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री आणि लर्नर्स ग्लोसरी ती 1 ते 4 पर्यंत जे आसा आमची यत्ता आसा, तातून मॅथ्स कॉम्प्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल स्टडी हांचेर आम्ही शब्दावली तयार केली. आणि ताजे नंतर आत्ता प्रेझेंटली आम्ही आता 14 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर आमची दुसरी कार्यशाळा चालू आसा, आणि त्या हातून आमचे जे सब्जेक्ट असा ते ॲग्रिकल्चर अँड झोलॉजी, आणि दुसरे लर्नर्स ग्लोसरीन आम्ही जे 6वी आणि 7वी इयत्तेक असा तातून आम्ही मॅथ्स कॉम्प्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल सायन्स या सब्जेक्टाचेर आम्ही कार्यशाळा आमच्या आता चालू असा. ही जी कार्यशाळा जेव्हा आम्ही थरयतात त्यांना आमचे CSTT जे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असतात पळय ते हांगा आयिल्ले असतात, ते असिस्टंट डायरेक्टर त्यांचे या पदाचेर आसा, आणि प्रत्येक सब्जेक्टाक ते एक एक त्यांचा
एसिस्टंट डायरेक्टर आसता। गोमंतक टीवी खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।